हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आपको भी ये स्टेप का प्रॉब्लम आएगा कि आपके प्रिंटर में डबल लाइट जो है सो ब्लिंकिंग करेगा और ये बंद नहीं होगा। आप इतनी बार भी ऑन ऑफ कर लीजिए, ना सर्विस बटन काम करेगा ना कुछ भी। तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सो अगर आपके पास प्रिंटर है तो वीडियो को पूरा देखिए, कभी ना कभी आपके ये काम आएगा। इसको करने के लिए सबसे पहले हम अपने प्रिंटर को चेक करते हैं। तो कंट्रोल पैनल में चलते हैं, वहाँ पे जाने के बाद डिवाइस एंड प्रिंटर्स में जाने के बाद यहाँ पे हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रिंटर को सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ पे जाके इस पर चेक करेंगे कि मेरे प्रिंटर में प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पर आने के बाद मेंटेनेंस पे जाएंगे। मेंटेनेंस पे जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आपको एक ऑप्शन प्रिंटर स्टेटस करके ऐसा करके, इस पर हमें क्लिक करना है। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके प्रिंटर में मतलब सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आ गया, तो इसे सर्विस सेंटर या प्रिंटर सपोर्ट के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करेगा तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इससे आपका प्रॉब्लम 100% जो है सो सही हो जाएगा, ब्लिंकिंग वाला प्रॉब्लम। सो वीडियो का आप पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने क्रोम ब्राउज़र पर और वहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पर आपको क्या करना है। तो सिंपली मैं अपने यहाँ पे लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, जैसे मेरे पास इप्सन का प्रिंटर है तो मैं अपने इप्सन का प्रिंटर का नेम डाल के यहाँ उसका मॉडल नंबर डाल के और रीसेटर सॉफ्टवेयर डाउनलोड यहाँ पे टाइप करूँगा। जैसे मेरे इप्सन का प्रिंटर है इप्सन 3110 और यहाँ पे उसका रीसेटर RESETER रीसेटर और यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड टाइप करके जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले लिंक पर जो है सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद एक नया टैब ओपन होगा और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे इप्सन 3110 रीसेटर 2022 ये लेटेस्ट वर्जन है और यहाँ पे नीचे एक ओल्ड वर्जन दिया हुआ है। तो मैं पहले ओल्ड वर्जन को डाउनलोड करके उस पर ट्राई करता हूँ, अगर इससे नहीं होगा तो मैं न्यू वर्जन करूँगा। पहले मैं ओल्ड वर्जन को डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से एक नया टैब ओपन होगा, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है और उसके बाद एक नया टैब ओपन होगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ सेकंड चलेगा, यहाँ पे एक डाउनलोड का लिंक आ जाएगा, यानी उस पर आपको क्लिक करना है। तो कुछ सेकंड का टाइम यहाँ पे लेगा ये, और यहाँ पे डाउनलोड का लिंक आ गया, उस पर हमें क्लिक करना है। तो सॉफ्टवेयर हमारा जो है सो डाउनलोड होने लगा, देख सकते हैं नीचे सॉफ्टवेयर मेरा डाउनलोड होने लगा है। मेरा सॉफ्टवेयर जो है सो डाउनलोड हो गया, तो हम चलते हैं डाउनलोड पे। तो यहाँ से मैं इसको क्रोम ब्राउज़र को यहाँ से मैं कट कर दूंगा और यहाँ से चलूँगा डाउनलोड पे। तो हम अपने लैपटॉप में जिस पीसी को ओपन करते हैं यहाँ पे डाउनलोड पे आ जाते हैं। डाउनलोड पे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले भी डाउनलोड किया था, मैंने आपको दिखाने के लिए ये एक बार फिर से जो है डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को मैंने एक फोल्डर इप्सन का फोल्डर बना के उसमें कॉपी कर लिया है और यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं हम। इस पर राइट क्लिक और यहाँ पे देख सकते एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करने के बाद इसमें एक फोल्डर आ जाएगा ऊपर में। ऊपर वाले फोल्डर को आपको ओपन करना है और यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आ रहा है उस पर आपको डबल क्लिक करना है। इस टाइप का कुछ इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपका प्रिंटर जो है सो आपके लैपटॉप से कनेक्ट होना चाहिए। तो कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आप उस पर सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको ऑटो सेलेक्ट रख दिया, यहाँ पे आपको अपना इप्सन का मॉडल नंबर जो सेलेक्ट करना है ओके करना है और यहाँ पे आपके राइट साइड में जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से पार्टिकुलर एडजस्टमेंट उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप आ जाएगा यहाँ पे नीचे देख सकते बहुत सारा, यहाँ पे आपको वेस्ट इंक पैड कंट्रोल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके करना है। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन आएगा तो बस यहाँ पे आपको मेन पैड और यहाँ पे दोनों का कुछ सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नीचे जो है सो चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर,
क्लिक करने के बाद कुछ टाइम लेगा और कुछ ना कुछ वैल्यू आपको शो करेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है उस पर हमें क्लिक करना है, इनिशियलाइज पे। स्लाइड पे क्लिक करने के बाद या कुछ टाइम लेगा, यहाँ पे कुछ स्लाइड पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि दोनों को आपको सेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट कर नहीं किया था यहाँ पे। तो जिस तरह आपने चेक किया था दोनों को सेलेक्ट करके, उसी दोनों को वापस से सेलेक्ट करना है, फिर से स्लाइड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको बताएगा अपने प्रिंटर को जो है सो इस पर कनेक्ट मतलब रहने देना है, और यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप ये सॉफ्टवेयर करेगा आपके प्रिंटर में सॉफ्ट। कुछ टाइम लेने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि आपको प्रिंटर को जो है सो ऑफ करना है। आपको इसमें कनेक्ट रहने नहीं देना है, आपको प्रिंटर को जो है सो एक बार इसको ऑफ करना है। तो पावर बटन को मैं प्रेस करता हूँ प्रिंटर के, तो ये ऑफ हो गया है। कुछ टाइम वेट करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो है सो मैसेज आ गया मेरे लैपटॉप पे। तो हम इसे ओके कर देंगे, फिर इसको ऑन करना है प्रिंटर को। ओके करने के बाद हम प्रिंटर को जो क्या करते हैं वापस से ऑन करते हैं। देख सकते हैं मेरा प्रिंटर जो है सो ऑन होने लगा है, और यहाँ पे डबल लाइट ब्लिंकिंग भी नहीं कर रहा है। प्रिंटर मेरा जो है सो 100% सही हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे डबल लाइट ब्लिंकिंग नहीं कर रहा, मेरा प्रिंटर सक्सेसफुली ऑन हो गया। आप भी अपने इस तरह का प्रॉब्लम कभी भी आए तो आप ठीक कर सकते हैं, आपको सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होता है कि जब ज़्यादा टाइम हो जाता है इसमें नोजल वाला प्रॉब्लम आने लगता है, इसी कारण से इसमें सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आने लगता है। तो आपको सर्विस सेंटर जाने की अगर जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें हम प्रिंटर को चेक कर लेते हैं कि ये प्रिंट कर रहा है सही से कि नहीं। इसमें जो है सो इसको पहले कट करके हटा देते हैं, सब लैपटॉप को फ्री कर लेते हैं। अब हम अपने प्रिंटर को एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही से प्रिंटिंग कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम कुछ डाल देते हैं, यहाँ पे प्रिंटिंग पे कमांड देते हैं। देख सकते हैं मेरा प्रिंटर जो है सो प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिले, हेल्प मिला हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए हम इसी तरह के नए नए वीडियो को जो है सो लाते रहें। और एक लाइक ज़रूर कर दें। देख सकते हैं मेरा प्रिंटर जो है सो अच्छे से वर्क कर रहा है, और ये आप खुद से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।